नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और ये जो वीडियो बच्चे मैं बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ उन बच्चों के लिए खास तौर पर लेके आया हूं जो एवरेज बच्चे हैं या जिनकी तैयारी बोर्ड की वजह से, बोर्ड की वजह का मतलब आप समझ गए होंगे, वहाँ का सिलेबस बहुत कम है और जेई का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और या आप ये समझिए कि वो स्टूडेंट जिनका 90% या 90% से ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, तो वो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं कि सेशन वन हम दें या सेशन वन ना दें, सेशन टू पर ही जाएं, पहले सिलेबस को हम बहुत ज्यादा बढ़ा लें। तो उन बच्चों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपको सेशन वन जरूर देना है, और सेशन वन में 97 जो परसेंटाइल है इवन बोर्ड देने वाले बच्चे भी बड़े आराम से ला सकते हैं। यहां पर मैं आपको कंप्लीट आंकड़े, कंप्लीट डिटेल आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन इस डिटेल को पूरा करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा जो तरीका है बच्चे वो है टेस्ट सीरीज का, और वो भी अच्छी टेस्ट सीरीज यानी कि परफेक्ट टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के लिए अनअकैडमी का जो आईआईटी जेई सेक्शन है, ठीक है ना, वहां पर दो परफेक्ट टेस्ट सीरीज चली हुई है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक है आईआईटी जेई सुपर 30। इस सुपर 30 टेस्ट सीरीज में 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 30 में से करने होंगे, यानी कि 2 मिनट का एक क्वेश्चन हो जाएगा। और आप अगर जेई के पेपर के बारे में सोचें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो 180 मिनट में करने होते हैं, तो रेशियो लगभग लगभग वैसा ही होता है। और ये जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आपका सिलेबस 100% नहीं है, 90% नहीं है, आपका सिलेबस 80% है, यानी कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, तो वहां पर आपका जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो थोड़ा सा आपको डीमोटिवेट कर सकता है। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये चैप्टर वाइज टेस्ट की तरीके से है, यानी कि यूनिट टेस्ट की तरीके से। इन जो 15 क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के रखे गए कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स के, और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रखे गए कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स के, और इसी तरीके से 5 क्वेश्चन आपको रखे गए हैं मैथमेटिक्स के, यानी कि आपके 15 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने होंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो होती है बच्चों के आपको एग्जाम का एनवायरमेंट फील होगा, यानी कि प्रैक्टिस होगी, क्योंकि 15 क्वेश्चन 30 मिनट में वही सेम रेशियो है। और साथ की साथ है सबसे बड़ी जो चीज होती है बच्चों वो होती है स्पीड, और स्पीड जो होगी वो आपकी प्रैक्टिस से होगी। तो ये बहुत अच्छी टेस्ट आपके लिए जाएगी, अनअकैडमी के आईआईटी जेई सेक्शन में है, तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करिए। और सबसे एक और अच्छी बात बता दूं यहां पर कि आपको आप में से टॉप 50 स्टूडेंट को सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। और ये जो है टेस्ट सीरीज है वो अप्रैल 12 में, यानी कि आज 6 बजे ये टेस्ट सीरीज होगी, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसी के साथ साथ में बच्चों जो इसी की तरीके से और भी दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है PYQ टेस्ट सीरीज। तो अनअकैडमी का IIT JEE सेक्शन PYQ सीरीज भी करा रहा है, और अच्छी बात ये है कि ये जो सीरीज है वो 2011 से लेकर 2021 तक के सभी PYQs को इस टेस्ट सीरीज में रखा गया है, रखा जाएगा और रखा गया है। और आपको मैं एक सलाह और देना चाहता हूं कि 2019, 2020 और 2021 के जो टोटल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 2021 में 4 अटेम्प्ट हुए थे, 2020 में 2 अटेम्प्ट हुए थे और 1 अटेम्प्ट हुआ था 2019 में, ये सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड होंगे और इनकी आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, आपको मैं एक सलाह और देना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो या कम क्वेश्चंस के आंसर हो तो उससे अपने आप को बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा, क्योंकि अनअकैडमी के इस सेक्शन ने आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए 100% टॉप फैकल्टी के द्वारा, कोटा टीचर्स के द्वारा, रैंकर टीचर्स के द्वारा ये सारी सीरीज बनाई गई है, और ये पूरी की पूरी सीरीज 100% फ्री है। अगर आप इस दोनों टेस्ट सीरीज को लगातार ज्वाइन करेंगे बच्चे, ये लगातार
लगातार चलती रहेंगी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये सबसे नायाब, सबसे टॉप, सबसे अच्छा तरीका होगा आज कल के दिनों में, यानी कि इन मंथ्स में। लिंक इन दोनों टेस्ट सीरीज का सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अनअकैडमी पर 100% कंप्लीटली पढ़ना चाहता हूं, तो आप मेरा कोड यूज करके जो है RAMROP10 यानी कि RAMROOP10 आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आपको ये सारी फैसिलिटी के साथ साथ में लाइव क्लासेस, आपकी टेस्ट सीरीज बहुत सारी, और साथ के साथ डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव चैट, ये सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज यहां पर अवेलेबल है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि किस तरीके से आप 97% लाएंगे, उसका कंप्लीट मैं डिटेल आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों, और अगर आप इस फॉर्मूले पर चलेंगे तो आपके निश्चित रूप से 97% आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी, क्योंकि 97 लाना है, क्योंकि हमारा सिलेबस का परसेंटेज की मात्रा कम है, तो आपको अपने आप को जजमेंट लेना होगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 97% लाना है तो आपकी जो रैंक है वो 25.5 के हो जाएगी। अगर आप एडमिशन नहीं भी लेना चाहते तो ये आपको रैंक मोटिवेट करेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉलेज के साथ या अपनी ब्रांच के साथ थोड़ा सा सैक्रिफाइस करते हैं तो आपको यहां पर एडमिशन भी हो सकता है। और इन रैंक को पाने के लिए, इस परसेंटाइल को पाने के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 125 मार्क्स बहुत होंगे। मैं 120 मार्क्स भी आपको यहां पर अलाउ कर सकता हूं, ठीक है। और इसका जो स्कोर गैप है बच्चों, ध्यान रखना है, 97 का जो स्कोर गैप है, 97 और 98 का जो स्कोर गैप है, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। यानी कि 98 लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा। मैं आपका डिटेल यहां पर बता देता हूं कि 95% के लिए आपको अबाउट 104 क्वेश्चन की जरूरत होगी, यानी कि टोटल मिलाकर 26 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 104 मार्क्स आपको चाहिए। और 96 के लिए आपको करीब 110 मार्क्स लाने होंगे, 97 के लिए 125 और 98 के लिए 148। तो अगर आप यहां पर बहुत ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में करीब 6 क्वेश्चन का गैप है। बड़ा गैप होता है बच्चे, 6 क्वेश्चन का गैप जेई मेन जैसे एग्जाम में। चलिए अब मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूं, यानी कि जो चैप्टर वाइज टेस्ट अनअकैडमी के IIT सेक्शन में रखे हुए हैं, तो केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं जिन्हें आप आराम से क्विज कर सकते हैं, छोटे चैप्टर हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 10 MCQ आएंगे, यहां पर मैं चैप्टर 100% लिख देता हूं, और 10 MCQ आएंगे आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 4 MCQ आ सकते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में आप 3 MCQ कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज की ही हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि आप करीब जो है 15 या 16 क्वेश्चन बड़े आराम से यहां पर कर सकते हैं। जो फिजिक्स है उसके मैं चैप्टर यहां पर बता देता हूं, मॉडर्न फिजिक्स बच्चों जरूर करिएगा, मॉडर्न फिजिक्स से 3 या 4 या 5 लगातार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आसान सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, और उसके साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसके बाद में जो है MM वेव, FM वेव है चैप्टर, आसानी चैप्टर है बच्चे, वेव नाम से आप डरे नहीं बिल्कुल भी। यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बता दूं बच्चों कि यूनिट एंड डायमेंशन की प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज के थ्रू जरूर करिए। जो बच्चे ये सोचते हैं कि वहीं पर मैं ये यूनिट डायमेंशन निकाल लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी इतने बड़े पेपर में नहीं होता है, ठीक है ना। और सॉलिड चैप्टर भी अगर आप कर लेते हैं, यानी कि ये आप फिजिक्स में 13 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जनरली उन बच्चों का थोड़ा सा कम अगर है भी, और होता है जनरली, तो उसके लिए मैं आपको बहुत आसान चैप्टर बता देता हूं, मैथमेटिक्स रीजनिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 या 3 दिन में आप बड़े आराम से कंप्लीट इसे कर सकते हैं। स्टैट्स देखिए, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि स्टेट्स में बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन आएंगी, यहाँ पर बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं आती हैं, लेकिन पैटर्न और लॉजिक का आपको 2 चैप्टर में जरूर ध्यान रखना होगा, एक होगा स्टेट्स और दूसरा होगा AP चैप्टर। तो यहाँ पर अगर आप पैटर्न और स्मार्ट एल्जेब्रा यूज करते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से हो जाएंगे। ये चैप्टर तो बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आप थोड़ा सा बड़ा लेवल इसका ले जाते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। वेक्टर आपने फिजिक्स में भी किया हुआ होगा, तो वेक्टर से
भी आपके क्वेश्चन हो जाने हैं और पीएनसी भी आप कर सकते हैं, और अगर आप कर सकें तो प्रोबेबिलिटी भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आइडिया मैंने आप लोगों के लिए दिया है। 97 परसेंटाइल बड़े आराम से आ सकते हैं और इस आइडिया को आप जरूर यूज करके देखिए। अगली वीडियो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी लेकर आएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।